जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज फिर हम आपको ऐसी फनी ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा कि नेट एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में साहित्यकारों के उपनाम पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है मधुप किसका उपनाम है, कलाधर किसका उपनाम है ना, वैद्यनाथ किसका उपनाम है, त्रिलोचन किसका उपनाम है, ये सारे उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इनको याद करना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन आज पूरे याद हो जाएंगे ट्रिक से, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों, और इसके पहले हिंदी साहित्य के ट्रिकी वीडियो बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, तो उनको जरूर देखना है, ठीक है। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। और आपको दोस्तों एक बहुत ही प्यारा अपना व्हाट्सअप ग्रुप है 9098609291। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस पर मैसेज करना है, आपको तुरंत ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपसे पहले टेस्ट करवाया जाएगा, आपको बताना होगा प्रश्न का उत्तर, और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, कभी पूछा जाए आपसे आपको तुरंत आ जाएगा। तो आपको बताना गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, त्रिशूल। त्रिशूल यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम क्या है, त्रिशूल, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो त्रिशूल क्या मारते हैं, त्रिशूल मारते हैं, क्या मारते हैं, त्रिशूल मारते हैं, तो अपन बोले त्रिशूल गया, त्रिशूल गया, कहां गया, गया। तो याद रख लेना गया से हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, और इनका उपनाम होगा त्रिशूल, त्रिशूल गया, ठीक है, याद रख लेंगे। कभी कभी इनका सनेही भी उपनाम है, त्रिशूल भी उपनाम है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। दोस्तों अगला बताना है मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त, 4 विकल्प है, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है, आपको पता है इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है एक बार, है ना। अब राष्ट्रकवि कहा जाता है दोस्तों, तो आप ऐसा नहीं समझते कि बहुत बुजुर्ग होंगे, है ना, राष्ट्रकवि हैं, बहुत कुछ इन्हें हिंदी साहित्य के लिए किया होगा, इसलिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, ये बहुत बुजुर्ग होंगे। तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाए, है ना, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, दद्दा, क्या बोल देते हैं, दद्दा, ये क्या है, दद्दा है, यानी कि आपका बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। मैत्री शरण गुप्त के जो उपनाम है वो क्या है, वो है दद्दा, दद्दा यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका एक नाम और पूछा गया था दोस्तों, पीजीटी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि मधुप किसका उपनाम है, तो याद रख लेना मैत्रीशरण गुप्त का नाम दद्दा भी है ना उपनाम, और मधुप भी है, ये दोनों नाम याद रखना है, ये दोनों पूछे जाते हैं इनके, ठीक है। अगला बताना जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, तो बताना है 4 विकल्प आपके सामने है, जड़िया, कोकिल, जकी, कैन का कवि। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा, जकी, क्या नाम है, जकी, आपको पता है जा से जगन्नाथ दास रत्नाकर और जा से आपका क्या हो जाएगा, जकी, बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अधिकांश लोगों को तो पता भी होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। तो जकी यानी सा नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला दोस्तों है आपका केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल, 4 विकल्प हैं दोस्तों, मैं इनके बारे में बताता हूं कि जो केदारनाथ अग्रवाल हैं दोस्तों, ये क्या करते थे कि बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कवि थे, और एक कैन नदी के किनारे पर जाकर के बैठते थे और घंटों बैठते थे, कैसे बैठते थे, घंटों बैठते थे और कैन नदी का बिल्कुल सुंदर और मनोरम जो दृश्य है उसको देखते थे, इसलिए साहित्यकारों ने इनका उपनाम रख दिया कैन का कवि, बोले कैन नदी के किनारे जाके बैठते थे, तो इन्हें कहने लगे क्या, कैन का कवि, किसे, केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों नंददास का उपनाम क्या है, नंददास, 4 विकल्प है, जड़िया, कोकिल, कल्पना का लाड़ला या फिर कलाधर, क्या है उपनाम, नंददास का उपनाम क्या है, नंददास, 4 विकल्प है दोस्तों, और जल्दी से आपको बताना है। आपने देखा होगा कभी कभी दोस्तों नंद, नंद मतलब क्या होता है, जब बहू अपनी ससुराल जाती तब उसे नंद मिलती है, क्या मिलती, नंद। एक बार क्या आपने देखा होगा कि नंद बहू की बहुत लड़ाई होती रहती है, एक बार क्या हुआ कि जब लड़ाई हुई तो नंद ने क्या किया, जड़ दिया, क्या जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया,
तो नंददास को जड़ दिया तो जड़िया कवि, ठीक है, याद रखना जड़िया है ना, नंददास को कहा जाता है जड़िया कवि, या इनका उपनाम क्या है, जड़िया कवि, ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है दोस्तों, विद्यापति का उपनाम क्या है। कई बार हमने पढ़ा है कि विद्यापति की रचनाएं हैं पदलता पताका पदावली, कीर्तिलता कीर्ति पताका, ठीक है, इनकी रचनाएं दो अभट्ट में है, लता और पताका, यानी कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका अभट्ट में है, पदावली इनकी काय में है, मैथिली में है, सभी को पता है, ठीक है। अब विद्यापति को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मैथिल कोकिल, क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, मैथिल कोकिल। अब एक भी एक चीज बताना, हम बोलते ना कि यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोकिल जैसी है ना, अब जिसमें विद्या होगी वो कैसा बोलेगा, बहुत मधुर बोलेगा, सुंदर बोलेगा, बिल्कुल कोकिल जैसे, विद्या जिसमें होगी वो कैसा बोलेगा, कोकिल जैसे बोलेगा, तो विद्यापति का उपनाम क्या होगा, कोकिल, कोकिल यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत का बताना है, चार विकल्प हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे क्या माना, इन्हें मान लिया काय, छायावाद का प्रवर्तक, है ना, आपने पढ़ा है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो सुमित्रानंदन पंत को, ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, जयशंकर प्रसाद को, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो मुकुटधर पांडे को। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों कल्पना का कवि, क्या कहा जाता है, कल्पना का कवि, यानी कि सा नंबर, जी हां दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। हम कभी कल्पना करते हैं कि मुझे अच्छे मित्र मिल जाए, सुमित्र मिल जाए, कैसे मित्र, सुमित्र मिल जाए, कल्पना करके देखो, कल्पना करके देखो कि सुमित्र मिल जाए, सु मतलब अच्छे, मित्र मतलब मित्र, अच्छे मित्र मिल जाए, तो कल्पना का कवि या कल्पना का लाड़ला जो कहा जाता है दोस्तों, वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही बढ़िया है। अगला है जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है, ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, मैंने आपको याद भी करवाया है कि अगर आपको कोई कला प्राप्त करनी है, कला प्राप्त करनी है तो पहले जाओ शंकर जी की पूजा करो, है ना, फिर आपको क्या हो जाएगी, अच्छी बुद्धि आएगी और आप कला प्राप्त कर लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे, कला। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या होगा, कलाधर, क्या होगा, कलाधर, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला बताना भारतेंदु का उपनाम क्या है, भारतेंदु दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि भारतेंदु जी का जन्म हुआ 1850 में, ठीक है, भारतेंदु जी का जन्म हुआ और 1850 से 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, मात्र 15 साल में, लेकिन इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा साहित्यकार दोस्तों कि उनके नाम पर ही एक युग का नाम रख दिया गया, भारतेंदु युग, है ना। तो भारतेंदु का उपनाम बताना है, और आपको पता होगा दोस्तों कि आज के युग में पूरे विश्व में जो भारत है वो क्या है, कन्हैया है, कन्हैया, बोले कलयुग का कन्हैया कौन है विश्व में, तो हमने बोल दिया भारत, कलयुग का कन्हैया कौन है, तो भारत, और भारत से क्या बनेगा, भारतेंदु, भारतेंदु का उपनाम है कलयुग का कन्हैया, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम पूछेंगे कलयुग का कन्हैया कौन है, तो आप बोलोगे भारत, यानी कि भारतेंदु, ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना राम वृक्ष बैनीपुरी का उपनाम क्या है दोस्तों, राम वृक्ष बैनीपुरी, आपने बहुत अच्छी इनकी पढ़ी होंगी दोस्तों, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें एक रचना पढ़ी है मैंने, आपको याद करवाया था कि लोग माटी की मूर्तों को वृक्ष के नीचे विराजमान कर देते हैं, माटी की मूर्तों को वृक्ष के नीचे विराजमान करते, तो माटी की मूर्तें वृक्ष से बैनी, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना हो जाएगी। लेकिन इनका उपनाम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कलम बनती है, कलम आपने देखी वो क्या बनती, वृक्ष की लकड़ी से बनती, वृक्ष की कलम वृक्ष की लकड़ी से बनती है, ठीक है, तो राम वृक्ष बैनीपुरी का जो उपनाम है वो क्या है, कलम का जादूगर, ये कलम के जादूगर थे दोस्तों, क्या थे, कलम का जादूगर। अब यहां से बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कन्फ्यूज नहीं होना, जादूगर कहा जाता है किसे, राम वृक्ष बैनीपुरी को, क्योंकि कलम का ही जादू होता है, और कलम काय से बनती है, वृक्ष से बनती है, वृक्ष से, है ना, अपन लकड़ी काटते उसकी कलम बनाते हैं, तो याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों पुष्पदंत का उपनाम क्या है, पुष्पदंत,
तो आपने देखा होगा दोस्तों पुष्पदंत ने एक ग्रंथ लिखा महापुराण, और महापुराण में इन्होंने 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन से ग्रंथ में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है, तो महापुराण में है ना। और दोस्तों आपको पता है कि पुष्पदंत ने अपने आप को उपाधि दी थी अभिमान मेरु की, है ना। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से बताइए कि किस कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी, तो वो दी थी पुष्पदंत ने। इसलिए पुष्पदंत का जो उपनाम रख दिया गया वो क्या रखा गया, अभिमान मेरु। अभिमान मेरु यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेरु येरु जो होते हैं ना पर्वत मेरु, वहां पर पुष्प बहुत मिलते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पुष्प मिलते हैं मेरुओं पर। तो अभिमान मेरु पुष्पदंत बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी, दोस्तों माख लग गया यहां पर, माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है, चार विकल्प हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रत्येक आत्मा, भारत की एक एक आत्मा चाहती है कि मुझे रोज माखन मिले, रोज माखन मिले। भारत की आत्मा, एक एक आत्मा चाहती है कि मुझे माखन मिले, तो क्या कहेंगे इसे, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा चाहती है कि क्या मिले, माखन मिले। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, अधिकांश लोगों को बिल्कुल सही पता होगा, लेकिन वैसे भी याद कर लें रिवीजन हो जाएगा। केशवदास का उपनाम क्या है दोस्तों, केशवदास आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि केशवदास जी की एक रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका इनकी रचना है, ये रचना भक्तिकाल, भक्तिकाल की रचना है, इसलिए केशवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों का कवि कहा जाता है। और इनकी रामचंद्रिका जो रचना है भक्तिकाल की है, और इसे क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर, आपने पढ़ा होगा। लेकिन केशवदास जी का उपनाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और दोस्तों आपको पता होगा कि कठिन काव्य है ना बहुत कठिन होता है, केस को सुरक्षित रखना, केस केस, ठीक है। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला बताना है दोस्तों राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या है, बंग महिला, उपन्यास सम्राट, एक राष्ट्रीय आत्मा, या फिर इंद्रियता का कवि। राजेंद्र बाला घोष आपने कई बार पढ़ा होगा, राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या है, तो क्या है उपनाम, क्या है, बहुत बढ़िया है ना, राजेंद्र बाला घोष, ये इन्हें कहा जाता था बंग महिला, है ना, यानी कि बंगाल की महिला, ऐसे याद रख ले, राजेंद्र बाला घोष कहां की महिला है, बंगाल की महिला, ठीक है। तो राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या होगा, बंग महिला, है ना, इनको याद रखेंगे, बंग महिला इन्हें कहा जाता, बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया है। अगला बताना है प्रेमचंद का उपनाम क्या है, प्रेमचंद का उपनाम बताना है, प्रेमचंद जी है ना आपको पता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन गोदान, निर्मला, है ना, ये सारे के सारे उपन्यास हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और इनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र, और इन्हें कहा जाता है दोस्तों उपन्यासों का सम्राट, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, उपनाम है इनका उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का। और इनका एक उपन्यास है दोस्तों बहुत बढ़िया, कौन सा, गोदान, गोदान उपन्यास है ना। और ये उपन्यास होते हुए भी दोस्तों इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए निम्न में से बताइए किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोदान को, है ना। और गोदान उपन्यास किसका है, प्रेमचंद जी का है, ठीक है। अगला बताना है राजा राम शुक्ल का उपनाम क्या है, आपने चाहे पहली बार नाम सुना हो राजा राम का, या किसी ने सुना हो, इनका उपनाम क्या है, तो 2 सेकंड में आप उत्तर चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक राष्ट्रीय आत्मा, एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है दोस्तों राजा राम को, किसे कहा जाता है, राजा राम को एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है ना, क्योंकि जो भारत का राजा होगा वही तो राष्ट्रीय आत्मा होगी, है ना, राजा, भारत का राजा होगा वही राष्ट्रीय आत्मा होगी, है ना, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा चाहती है कि मुझे माखन मिल जाए, एक राष्ट्रीय आत्मा कौन होगा, तो राजा होगा, है ना, तो राजा राम, राजा राम याद रख लेना, राजा राम एक राष्ट्रीय आत्मा, ठीक है। अगला बताना गिरजा कुमार माथुर का उपनाम क्या है दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर, आपने रचना बहुत सारी पढ़ी होंगी दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर की भी पढ़ी है ना, और तो एक रचना है इनकी, मैं वक्त के हूं सामने, मैं
वक्त के हूं सामने, एक रचना जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और मैं वक्त के हूं सामने, बोले मैं वक्त के हूं सामने, बोले सामने क्यों हो गिरजा, सामने क्यों हो गिरजा, तो मैं वक्त के हूं सामने किसकी रचना होगी, गिरजा से, गिरजा कुमार माथुर। अब गिरजा कुमार माथुर का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है दोस्तों इंद्रियता का कवि। इंद्रियता कवि, आपसे पूछा जाए इंद्रियता का कवि किसे कहा जाता है, तो बता देना कि मेरी जो एक इंद्री है, मेरी जो इंद्री है एक, वो क्या हो गई, गिर गई है, गिर गई है, तो गिरजा कुमार माथुर को इंद्रियता का कवि कहा जाता है। बोले इंद्रियां तो यार गिर गई, इच्छा ही नहीं होती कोई चीज खाने की पीने की, है ना, इंद्रियता का कवि गिरजा कुमार माथुर, इंद्री क्या हो गई है, गिर गई है, ठीक है, याद रखना। और दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है दोस्तों, दुष्यंत कुमार का आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, दुष्यंत कुमार जी का बताना है ने, गजल सम्राट, उपन्यास सम्राट, अनल कवि, या फिर इंद्रियता का कवि, क्या है, तो इनका बिल्कुल सही आपने बताया है कि इन्हें गजल सम्राट कहा जाता है, इनकी बहुत सुपर गजलें हैं दोस्तों, किसकी, दुष्यंत कुमार जी की, है ना, एक कंठ बिस्पाई, इनकी एक रचना है एक कंठ बिस्पाई, जो हमेशा पूछी जाती है, और ये दुष्यंत कुमार जी की है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला बताना है रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम बताना है, कवि शिरोमणि, उपन्यास सम्राट, अनल कवि, या फिर आत्माराम। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि इन्हें कहा जाता है अनल का कवि, है ना, अनल, अनिल नहीं, अनिल मतलब होता है अग्नि, है ना, और अनल मतलब होता है वायु, है ना, याद रख लेना, वायु का कवि कहा जाता है। ऐसी रचनाएं लिखते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि हम वायु में उड़ने लगे हैं इनकी रचनाएं पढ़ करके, है ना, अनल, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों अनल कवि, है ना, याद रख लेना, अनल कवि कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला बताना है तुलसीदास का उपनाम क्या है, तुलसीदास, तो तुलसीदास को तो सभी पता है दोस्तों कि इन्हें क्या कहा जाता है, तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि शिरोमणि कहा जाता है किसे, तुलसीदास जी को, आ नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना, और तुलसीदास जी की रचनाएं मैंने आपको याद करवाई हैं, खंड काव्य याद करवाए हैं, मुक्तक काव्य, सभी कुछ याद करवाए हैं, ठीक है, तो तुलसीदास का कवि शिरोमणि, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है, कवि शिरोमणि, उपन्यास सम्राट, अनल कवि, या फिर आत्माराम, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम बताना है क्या है, कवि शिरोमणि है, उपन्यास सम्राट है, अनिल कवि, या फिर आत्माराम है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान ने आत्मा की बात करी है, महावीर भगवान कहते हैं कि शरीर में कुछ नहीं रखा, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का कल्याण करो, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या होगा, आत्माराम, क्योंकि महावीर ने कहा है कि आत्मा का कल्याण करो, इसलिए आत्माराम यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अब दोस्तों एक चैलेंज प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर अज्ञेय की, तो चार विकल्प हैं, यामा बताना है ये किसकी रचना है, चैलेंज प्रश्न है, ठीक है, और अगर आपको रामधारी सिंह दिनकर की कोई रचना पता है तो लिखें, महादेवी वर्मा की है तो लिखें, सुमित्रा नंदन पंत की है तो लिखें, अज्ञेय की है तो लिखें, ठीक है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताना, अपनी उपस्थिति जरूर बताना है, और दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, इस पर व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी, ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही, जय हिंद।